तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो क्लास ऑनलाइन का चल रहा है, इस क्लास का आज टेंथ डे है आज ऑनलाइन क्लास का। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट से थोड़ा पूछेंगे कि आप लोग क्लास ज्वाइन करने से पहले कैसे थे, और ज्वाइन करने के बाद, मतलब अभी, और आप लोग बाद में रहेंगे साथ में, और आप लोगों को जो स्टूडेंट ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका हेल्प आप लोगों को कैसे मिला है, और बाकी कोर्स फुलफिल कैसे रहा है, क्या क्या चीज सीखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिव्यंदु जी से पूछूंगा जी, आपने कैसे क्लास को महसूस किया? दिव्यंदु जी, अपना माइक ऑन करना। दिव्यंदु जी आज क्लास में। अच्छा, अग्रवाल जी आप बताइए कैसे रहा है। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने गाइडेंस दिया उस हिसाब से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए जो अभी तक पता ही नहीं। तो थैंक एक तो यू। काफी इंडिकेटर्स का नॉलेज मिला, प्लस हाँ ये क्लियर हुआ कि स्टॉक ब्रेकआउट कब मार सकता है, ब्रेकडाउन कब मार सकता है, और कहाँ कॉशियस रहना है, कितना टारगेट लेना है, कितना स्टॉक लॉस लेना है। स्टॉक का बॉटम और टॉप ये निकलना आया कि नहीं? यस सर, ये स्टॉक का बॉटम और टॉप कहाँ पर जाके स्टॉक सपोर्ट लेगा, कहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा, कितने बार रेजिस्टेंस ले सकता है, जैसे 3 बार लेगा और चौथी बार में उसको ब्रेकआउट कर सकता है। हाँ गुड। अच्छा, तो आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना थोड़ा बहुत सीखे हैं कि नहीं? सर, निफ्टी में मैं इससे पहले काम करता था, और टू बी ऑनेस्ट काफी लॉस वगैरह भी किया, हाँ और लेकिन अभी मुझे ये ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक में काम करना शायद ज्यादा बेटर है, क्योंकि गुड। निफ्टी और बैंक मैं, निफ्टी में हाँ प्रेडिक्टेबिलिटी कम होती है। यही चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर स्टॉक में सिर्फ 2 रुपया निकलना आ गया है, तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से कितना मजा आएगा, ये सिर्फ आप 10-15 दिन काम कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब स्टॉक में अगर 500 रुपया का कोई स्टॉक है, वहां पे आपको अगर 5 रुपया का मोमेंटम आपको क्लियरली आ रहा है, तो उसके बाद आप फ्यूचर में काम कीजिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूल जाएंगे, यहीं से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से प्रॉफिट आ जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में कितना भी आप ज्यादा थियोरी लगा लो, कभी कभी आपके साथ धोखा दे जाएगा। ठीक है, ऐसा मेन हो गया, इसमें 2 से 3 मेजर ओवरवेट स्टॉक्स हैं जो कभी भी हाँ मार्केट को गिरा सकते हैं, गिरा हाँ सकते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू। गोपी जी, आप कैसे, क्या सीखे हैं? आप क्लास करने से पहले कैसे थे, क्या सोच के, मैंने भी हाँ टेक्निकल वाला बोला, क्या सोच के आए थे, और अभी कैसे रहे? अच्छा पहले टेक्निकल वाला जितना नहीं था सर, क्लास ज्वाइन करने के बाद टेक्निकल नॉलेज सही हुआ है सर मेरा। सो रोज में जो आपका दिया होमवर्क कर रहा हूँ, आज ज्यादा कंप्लेंट पुश कर रहे हैं अंदर से, चलो, आप सो लोगों आगे का अच्छा। जो स्टूडेंट ग्रुप जो मैं बनाया हूँ, जो कोर्स चलते चलते जो स्टूडेंट ग्रुप था, हाँ उसमें सर, हाँ कुछ फायदा मिला कि नहीं? सर, डेफिनेटली मिला है सर, मार्केट आवर्स में मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ कि नहीं? हाँ सर, जो भी आपको दिया हुआ कॉल में जाके जो सिखाया था उसके हिसाब से मैं देखता हूँ सर, चलो, जो हमने आपका और नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहे सर। हमने क्लास करते करते, जैसे आज शाम को क्लास किए हैं, कल के लिए जो स्टॉक का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिए ये स्टॉक, जैसे यहाँ पे बीच में तो मैं ही देख सकता हूँ, जो डॉक्टर रेड्डी में एक दिन बताया था, कल का सेशन में HIIL का बताया था, जो HIIL में ये कंडीशन होने से, आज मैं टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में कॉल भी दिया था जी, हाँ इसमें सेल कॉल बन रहा है, तो ये आपको क्लियर एक चीज दिखाई दिया कि नहीं, जहाँ ये कंडीशन होने से देखो आज का जो हाँ गिरावट सर, है। बिल्कुल क्लियर दिखाई सर। चलो थैंक यू। और कुछ कहना है इस कोर्स के बारे में? इस कोर्स जो आपसे 5,000 लेके जो कोर्स कराया जा रहा है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ सर, डेफिनेटली करना चाहिए सर। थैंक चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ यू। ओके, और कौन बोलेंगे? करण, हाँ जी सर, मैं बोल रहा हाँ बोला था सर, मैं जानता है कैश यूजुअल पहले मेरे फोन को करते थे बैंक एफडी और इससे कॉल और बुक में, तो इसमें भी इंटरेस्ट रहता था, बट आपसे सीखने के बाद सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक में इंटरेस्ट आया है कि स्टॉक्स लेना है, बट मैं आपसे सीखने के बाद आपकी पूरी वीडियोस मैं भेजता हूँ, आपकी क्लास ज्वाइन किया, अभी मैं आपके वर्कशॉप पे भी आऊंगा जो आपका घर पे है, तो मेरा और इंटरेस्ट सर स्टॉक पे भी बढ़ गया है सिलेक्शन में, और मेरा इसमें भी बढ़ गया है। तो मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, बट
मैं जो ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट हूँ उसके बाद भी मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी हैंडल करता हूँ और मेरे को जितना अपने स्टडीज में मजा आता है उससे ज्यादा मेरे को इसमें मजा आता है क्योंकि यहाँ पे प्योर गाइडेंस के साथ मतलब प्योर एकदम क्लीन हो जाता है इतना सब में मतलब उसे ग्रेजुएशन में कोई नहीं सिखाते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इतना क्लीन आप इतना हम लोग के लिए करते हैं इसके लिए थैंक्स चलो थैंक यू और ये क्लासेस जरूर करनी चाहिए जिसको मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो प्लीज करना चाहिए ये तो चलो अच्छा मैं आप लोगों को कभी बताता हूँ जी मार्शल आर्ट का काम विदाउट नॉलेज आप अच्छा चलो ठीक है मैं आप लोगों को कभी बताता हूँ जो शेयर मार्केट करना है तो 1,00,000 रुपया लेके आना है कि 50,000 लेके आना है फिर उसके बाद आपको अपना काम करना जैसे बोलेंगे छोटा अमाउंट से आप इतना कॉन्फिडेंस ला दे रहे तो हम लोग भी और थोड़ा हो जाते हैं कि भाई हम लोग जैसे छोटे प्लेयर्स भी यूज कर सकते हैं बड़े प्लेयर्स भी हम लोग भी मार्केट में सीखने के बाद कर सकते हैं छोटे अमाउंट से चलो बोला जाता है ना छोटा चीज से आस्ते आस्ते चलो ठीक है वो जो 10 और 12 पॉइंट्स जो मार्केट का रूल्स जो मैं बताया था अच्छा ये मैं शुभजीत चक्रवर्ती जी से पूछूंगा नहीं आप तो शायद और कौन बताएंगे शुभदीप दादा सर मैं भी कुछ कह रहा हूँ हाँ बताइए बताइए सर मैं जावेद यूपी से बोल रहा हूँ हाँ आपसे मेरे को हाँ आपसे पूछना था कि आप कोर्स करने से पहले नहीं आपके बारे में हाँ एक मिनट आपके बारे में पहले बता दूं ये जावेद जी यूपी से है इन्होंने जब मेरे को क्लास का पैसे पे किया था उससे पहले काफी सोच रहे थे जो कोई बेंगलोर वाले जैसे फ्रॉड कोई तो नहीं है क्या हमारा ये 5,000 कोई पानी में तो नहीं हो जाएगा कि 5,000 पे कर दिया उसके बाद फोन अटेंड करे या ना करे पता नहीं क्या क्या होगा ऐसे मन में आया था ना जी सर बिल्कुल हाँ। मैं तो क्या मैं एक दुकानदार हूँ छोटा सा दुकान चलाता हूँ हाँ। और मुझे टाइम नहीं मिलता है मार्केट में पहले मैं सब जब डीमैट खोला तो मैं ये करता था ट्रेड लगा देता था खुल जाता था एक हफ्ते बाद देखता था तो पता चला मेरा लॉस में स्टॉप लॉस लगाना है सब कुछ भी नहीं आता था लेकिन अभी जो 10 डेज का कोर्स किया ना नया हाँ। तो मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आया सबसे बड़ी चीज जो पेशेंस होता है ना सर मार्केट में बने रहना है तो पेशेंस बना के रखना वो चीज आई अच्छा। और एक चीज सर और मैं बोलना चाहूंगा आपके बारे में आपने आदमी में हम लोगों के लिए देश की सेवा तो की है और आप वास्तव में समाज में आके भी अच्छे लोगों को कुछ अच्छा चीज देने की कोशिश कर रहे हैं चलो थैंक यू ये चीज एक निकल के आ रही है तो बहुत सारे लोग हैं सर पैसा बना के निकल जाते हैं आपका नुकसान हो आपका फायदा हो कोई कुछ नहीं आता चलो थैंक यू और मैं आपके बारे में अपनी कहानी बताया भी इससे मैं कैसे शिकार हो गया बॉम्बे वाले चलो मैं बताया ही था लेकिन सर आपका जो ये वर्क है ना वो मुझे लगता है कि आर्मी से भी बेटर है क्योंकि आप लोगों को सोसाइटी में सरवाइव करना सिखाते चलो थैंक यू और ये सारी चीज मैं आर्मी से ही सीखा हूँ कि सबसे बड़ा चीज तो आर्मी से जो हमें डिसिप्लिन मिलता है जैसे आप लोगों का क्लास में ज्वाइन करने से पहले जो डिसिप्लिन बताया था आप लोग सारे लोग डिसिप्लिन बहुत अच्छा से मेंटेन किए हैं ठीक है चलिए आप लोग भी बहुत आपका जो वो प्री ओपन मार्केट है ना 50 डे 59 का और मैंने वो टाटा ग्लोबल का भेजा था सर चार्ट जिसमें आज काफी ज्यादा गिरावट आया था करीब 5% का हाँ मैं कल आप लोगों को रिप्लाई भी दिया था जो टाटा ग्लोबल ने किसने भेजा था उसका सही है जी मैं भेजा था मैं ही भेजा था उसमें आज 5% का करीब गिरावट भी आया था अच्छा 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 ठीक ठीक ओके थैंक यू जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया हाँ अच्छा शुभदीप दादा आपसे कुछ फीडबैक मांगेंगे कि जो हमने पॉइंट्स जो आपने सिखाया जो रूल्स मार्केट में बने रहना है तो क्या रूल्स फॉलो करना है आपको वो रूल्स कैसे लगा आपको हेलो नहीं आप सर वो रूल्स जरा एक बार ग्रुप में डाल दीजिए हाँ बिल्कुल नहीं आया बिल्कुल दोबारा डाल दूंगा अभी डाल दूंगा जी जी हाँ ठीक है चलो और बाकी कोई कुछ चलो ठीक है बाकी कल हम मिलेंगे दोबारा क्लास में सेम टाइम 8 बजे आज तो काफी लेट हो गया ऑलरेडी 10 बज चुका है हाँ बताइए सर बजाज फाइनेंस की बाकी रह गई बजाज फाइनेंस के बताऊंगा ठीक है
ओके हाँ सर हाँ दुर्जेंद्र जी आप बताइए आपका कैसे अनुभव हुआ क्लास से? मेरा तो अनुभव ठीक ही रहा सर, लेकिन क्या है ना सर कि मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट हूँ सर। वो तो मुझे पता है, आपको मैं ये बताया ना, जितने कमजोर स्टूडेंट है आप लोग के लिए क्लास खत्म होने के बाद भी 10 दिन 12 दिन क्लास होने के बाद भी मैं इंडिविजुअली अलग से टाइम दूंगा। हाँ सर प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा सर। ओके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी आपको आपको थोड़ा प्रॉफिट निकालना आ रहा है कि नहीं मार्केट से? आ रही सर, लेकिन 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा पा रही है ना। तो अब मैं क्या बताया, मार्केट में शुरू में आपको फिक्स रखना चाहिए, ठीक है? मार्केट का आपको शुरू में इस 1000 रुपया को बनाए रहिए, लॉस कम हो कम देखिए, तब जाके धीरे धीरे टिक पाएंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस खुद के अंदर आ जाएगा तब जाके बड़ा प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन जब तक आपका सहारा नहीं मिलेगा तब नहीं कर पाओगे। सहारा हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सबको कि बहुत अच्छा आपने सीखे हैं। और मुझे पहले से लग रहा था कि इस बैच में जितने लोग हैं काफी अच्छा सीख पाएंगे आप लोग। ओके थैंक यू, गुड नाइट।